हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोआज मम किचन। यहाँ पर मैंने बनाई है 3 फ्लेवर की आइसक्रीम्स घर पर, और यकीन मानिए कि ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी और मार्केट से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने बनाया था वनीला, ब्लैक करंट और अमेरिकन फ्रूट एंड नट्स। चलिए इसे सिंपल इंग्रेडिएंट से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 1/2 लीटर का पैकेट मैंने पहले ही डाल चुकी हूँ, लेकिन मेज़रमेंट के लिए मैं दिखा देती हूँ कि कितने कप दूध यहाँ पे डालना है। तो टोटल मैंने यहाँ पर 4 कप दूध ऐड किया है, 1 लीटर मिल्क। क्योंकि ये दूध पहले से ही पका होता है, पैकेट वाला होता है, इसलिए मैं सारी चीज़ें एक साथ मिक्स कर रही हूँ। 1 कप मैंने यहाँ पे शुगर और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर मिलाया है। अगर ये दूध डेयरी से लेके आए तो पहले दूध को आप पका लीजिए, ठंडा कर लीजिए, फिर ये सारा प्रोसेस करिए। तो इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से पहले मिक्स कर लिया है ताकि कॉर्नफ्लोर अच्छे से मिक्स हो जाए दूध में। फिर मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम ऑन की है। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ पर मुझे दूध थोड़ा पकते हुए टाइम हो गया था और गाढ़ा नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और लिया है और इसमें मैंने ठंडा दूध ऐड किया है रूम टेम्परेचर पर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद ही हम इसे गर्म दूध में ऐड करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा और पचा लिया है उस मिक्सचर को, तो यहाँ पे मैंने उतना ही डाला जितना मुझे ज़रूरत था। तो जब इस तरह की कोटिंग आने लगे चम्मच के ऊपर, तब समझ जाइए कि दूध अच्छे से पक गया है और गाढ़ा हो गया है। तो गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया, पास से दिखा देखिए कि कितना गाढ़ा हो चुका है। अब ये मिक्सचर जो है ठंडा होने के लिए रखेंगे, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाए। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद हम इसे फ्रिज में भी रख देंगे। तो ये दूसरे बर्तन में मैंने डाल दिया है इसलिए ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए थोड़ा। अब जब तक ये ठंडा हो रहा है बाकी दूसरे काम कर लेते हैं। तो अमेरिकन फ्रूट एंड नट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ नट्स ले लिए हैं जो भी घर पर अवेलेबल हो, उसे हल्का सा रोस्ट कर लिया है। और यहाँ पर कुछ मैंने ओरिजिनल फ्रूट्स लिए हैं, लाइक ड्राई वाले नहीं लिए हैं, मैंने यहाँ पे फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल किया है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने फ्रिज में रखा है। व्हिप क्रीम, तो यहाँ पर मैंने व्हिप क्रीम ना अमूल की ये रेड पैकेट वाली यूज़ की है, ये 30% फैट इसमें ज़्यादा होता है और जो ब्लू वाला पैकेट आता है उसमें थोड़ा सा फैट कम होता है। तो क्रीम को भी मैंने 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, और बर्तन को भी, और इस तरह से हैंड बीटर को भी मैंने, इसकी प्लेट को भी मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी हों क्योंकि गर्मी बहुत है। पहले मैंने इसे लो स्पीड पर व्हिप किया, फिर मैंने इसे मीडियम टू हाई व्हिप स्पीड में व्हिप किया। तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी आ जानी चाहिए, ये इतना गाढ़ा हो जाना चाहिए। तो इस यही प्रोसेस मैंने दूसरे वाले अमूल पैकेट के साथ भी किया था। तो मैंने 2 बोल भर करके क्रीम को अच्छे से व्हिप कर लिया। अब ये बेस रेडी हो गया, अब जिस फ्लेवर का आपको बनाना है वो बनाइए। तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ सबसे पहले अमेरिकन फ्रूट एंड नट्स। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल दिया है, 1 टीस्पून। और यहाँ पर जो मैं इस दूध का, ठंडे दूध का मिक्सचर जो मैं डाल रही हूँ, जो हमने पहले बनाया था, ये मैंने करीब 1 कप डाला है यहाँ पर। तो पहले मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल करके इसे चेक कर ले रही हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा रनी और पतला ना हो जाए। तो इसी तरह आप भी इसे थोड़ा थोड़ा करके डाल के चेक करते हुए बनाइएगा अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं। सो आप देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा फ्लफी है और इसमें एयर अच्छे से गई है, इंसर्ट हो गई है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 1 कप जो हमने पहले से प्रिपेयर किया था दूध का मिक्सचर, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर सिंपल वनीला वाली अगर आप फ्रीज़ करना चाहे, बनाना चाहे, तो ये यहाँ पर रेडी हो गई है, लेकिन मैं इसे अमेरिकन फ्रूट एंड नट्स वाला बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर अपने हिसाब से नट्स मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, और इन सारी चीज़ों को भी हम एक बार अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब जिस भी बर्तन में हमें इसे सेट करना है उसमें मैंने फ्रूट्स डाल दिया है, और जो भी बर्तन आप यूज़ करें या जो बॉक्स यूज़ करें, कंटेनर्स, वो एयर टाइट होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इस मिक्सचर को डाल दिया है। अगर यहाँ पे आप
कलरफुल जेली वाले डालेंगे और थोड़े से ड्राई वाले मैंगो, जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स में अवेलेबल हो ना वो डालेंगे, तो ये देखने में और ज़्यादा अच्छी लगेगी, बट ये हेल्दी ज़्यादा है। तो आप अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज़ कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए। तो थोड़ा सा ऊपर से मैंने गार्निश कर दिया है और ये फ्रीज करने के लिए रेडी है। तो हमारी अमेरिकन फ्रूट एंड नट्स यहाँ पर बन करके रेडी हो चुकी है। तो बचा हुआ मिक्सचर मैंने दूसरे में डाल दिया है, इसे मैं सिंपली ऐसे ही फ्रीज कर दूंगी। सो अब चलिए बनाते हैं दूसरा वाला फ्लेवर। तो यहाँ पर मैंने दूसरी जो हमने डिब्बे वाली व्हिप क्रीम बीट करके रखी थी ये वो है। अब मैंने इसमें भी पहले की तरह जो हमने दूध का बेस बना के रखा था वो हम ऐड करेंगे और इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। सो मैंने इसमें 1 टीस्पून यहाँ पे वनीला एसेंस डाला है। और अब इस बैटर को हम जितना हमें वेनेला फ्लेवर का बनाना है वो उतना हम बैटर मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिया है। तो करीब 1 कप के करीब मैंने यहाँ पे बैटर को मिक्स कर लिया है और इससे मैं बनाऊंगी सिंपल वेनेला आइसक्रीम स्टिक्स। सो मोल्ड भी यहाँ पर रेडी है, आप इस तरह के मोल्ड में या फिर कुल्फी वाले मोल्ड में कैसे भी आप इसे कप्स में अच्छे से सेट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ ब्लैक करंट। तो जितना बचा हुआ मिक्सचर था उसमें मैंने ब्लैक करंट का यहाँ पे क्रश ऐड कर दिया है। अगर आपके पास ओरिजिनल ब्लैक करंट्स के फ्रूट्स हैं तो वहाँ पे ये भी ऐड कर दीजिए, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने स्किप कर दिया। तो घर पे बनाने का यही फ़ायदा होता है, अगर है तो डालिए, नहीं है तो स्किप कर दीजिए। सो इसे भी मैंने एक एयर टाइट कंटेनर में सेट होने के लिए अच्छे से सेट कर दिया है। तो हमारी अमेरिकन फ्रूट एंड नट्स, वनीला और ब्लैक करंट रेडी हो गया। तो यहाँ पे 1 कप ना मिक्सचर मेरा बच गया था, तो जो मैंने स्टार्टिंग में जो मिक्सचर बनाया था, बैटर बनाया था, आप उसमें 1 लीटर की बजाय 3 कप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/4 लीटर। तो रात के 12 बजे हमने आइसक्रीम इन्जॉय की अगले दिन, और यकीन मानिए कि ये आइसक्रीम स्टिक वनीला वाली बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो हमने यहाँ पे रात में पूरा फैमिली ने बैठ करके यहाँ पर सारी आइसक्रीम को इन्जॉय किया। और आप भी इसी तरह से घर पर ईजिली आइसक्रीम बना सकते हो, बस आप जब इसे खाने के लिए सर्व करें तो करीब 5 मिनट के लिए पहले से ही निकाल करके रख दें ताकि थोड़ा सा ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये अमेरिकन फ्रूट एंड नट्स भी बहुत अच्छी लग रही थी, जो फ्रूट्स आपको पसंद है ना वो डालिए।